बाबागिरी की आड़ में अश्लील कृत्यों के चर्चे। पुलिस ने बरामद किया गांजा, पाखंडी बाबा को पुलिस ने भेजा जेल। नादिया बिलहरा में आरोपित बाबा ने बनाया था साकेत धाम। बाबागिरी दिखाते हुए तांत्रिक क्रिया कर लोगों को गुमराह कर पैसा कमाने वाले ग्राम नादिया बिलहरा स्थित साकेत धाम के संचालक से सुआतला पुलिस ने करीब 2 किलो गांजा बरामद कर जेल भेज दिया है। इस नौटंकीबाज बाबा के अश्लील कृत्यों की भी पुलिस तक शिकायत पहुंची है और अश्लील वीडियो सामने आए हैं, जिनकी जांच करने के बाद साकेत धाम के संचालक धर्मेंद्र दास के खिलाफ पुलिस अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सकती है। नादिया बिलहरा गांव का बहुरूपिया बाबा व कथित साकेत धाम का संचालक धर्मेंद्र दास असलियत में गांजा बेचता था। मंगलवार को सुआतला पुलिस ने इसके ठिकाने पर दबिश देकर 2 किलो गांजा बरामद किया। आरोपित बाबा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया है। बाबा के खिलाफ महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ढोंगी लंबे समय से तांत्रिक क्रिया की आड़ में गांजा बेचने का काम कर रहा था। लंबे समय से उसकी शिकायतें मिल रही थी। पुलिस अब बाबा के उन चहेते लोगों के रिकॉर्ड खंगाल रही है, जो लोगों को भरमाकर और बाबा के चमत्कार के किस्से सुनाकर उन्हें नदिया बिलहरा आने पर विवश कर देते थे। माना जा रहा है कि बाबा के इस कृत्य में उसके कुछ खास लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो उसके कृत्यों पर पर्दा डालने के साथ ही उसके दुष्कृत्यों के राजदार थे। नरसिंहपुर से रंजीत गौरव की रिपोर्ट। कल इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर इस मामले में जांच प्रारंभ की गई और जांच के बाद जो तथाकथित आरोपी हैं उनके सर्जरी की गई, वहाँ पे गांजा बरामद हुआ, उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और इसके बाद और भी तथ्य जो है जांच के दौरान निकल के आए हैं, उन सभी पे बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। फेसबुक वॉल पर की पोस्ट से कांग्रेस सेवादल के ब्लॉक अध्यक्ष को भेजा जेल। कांग्रेस ने ज्ञापन देकर आंदोलन की दी चेतावनी। मामला थाना शाहगंज का सेवादल कांग्रेस बूथनी के अध्यक्ष निखिल पालीवाल को फेसबुक पर कोरोना को लेकर पोस्ट शाहगंज थाने में मामला दर्ज कर सीधा जेल भेज दिया गया। इस बात को लेकर बुधनी ब्लॉक कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन बुधनी तहसील में दिया, जिसमें ये मांग की गई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन द्वारा जबरदस्ती के झूठे केस बनाकर जेल भेजा जा रहा है, ऐसा वो नहीं होने देंगे। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है, थाना प्रभारी शाहगंज पर झूठा केस बनाने के मामले में कार्रवाई हो और उनके कार्यकर्ता की बाइज्जत रिहाई नहीं होने पर कांग्रेस द्वारा सोमवार को उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें एसडीएम कार्यालय एवं शाहगंज थाने का घेराव किया जाएगा। है तो चोर सरकार, हम बोल रहे हैं हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जेल को जाओ। मैं सभी के खिलाफ होना चाहिए ना, सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। कोरोना के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने जो लूट का खेल मचा रखा है, ये मानव की अभिव्यक्ति को बंद करना चाह रहे हैं, गला घोंटना चाह रहे हैं कि कोई इनके खिलाफ बोले ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ ना बोले, सरकार की जो नीतियां चल रही उसके खिलाफ ना बोले। इस तरीके से कार्यकर्ताओं को बुला बुला के थाने में धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ में पूरे सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी सोमवार को यहाँ इकट्ठी होगी। सारे कार्यकर्ता गांव गांव से निकल के यहाँ आएंगे और एसडीएम कार्यालय का हम घेराव करेंगे, थाने का घेराव करेंगे और आमरण आनसन पे हम यहाँ बैठेंगे, जब तक टीआई को सस्पेंड ना कर दिया जाए, निखिल पालीपाल को बाइज्जत बरी ना कर दिया जाए, जब तक हम लोग नहीं उठेंगे।